शहंशाह अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक सवाल पेश किया, जो कि सवाल ये था कि वह कौन सी चीज है जिस पर चांद और सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। किसी भी दरबारी के पास सवाल का जवाब ना था। शहंशाह अकबर ने यही सवाल बीरबल के हाँ भी पेश किया। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बाद में इसने कहा कि महाराज, सिर्फ एक चीज है जिस पर चांद और सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। शहंशाह हैरानी से पूछा, वो कौन सी? बीरबल ने कहा, अंधेरा। यही एक चीज है जिसको ना चांद और ना सूरज की रोशनी मिलती है। हर एक ने बीरबल के दाना जवाब की बहुत तारीफ की। एक दिन फिर शहंशाह अकबर ने सवाल कर दिया कि कौन से दरिया का पानी सबसे बेहतरीन है। तमाम दरबारियों ने यक जुबान होकर कहा, आलीजा, दरियाए गंगा का पानी सबसे बेहतरीन है। मगर बीरबल खामोश था। शहंशाह ने देखा और इससे दरियाफ्त किया कि बीरबल, तुम क्यों खामोश हो? बीरबल ने जवाब दिया कि महाराज, दरियाए जमुना का पानी सबसे बेहतरीन है। शहंशाह बड़ा हैरान था बीरबल का जवाब सुनकर, और इसने कहा कि बीरबल, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? तुम्हारी मुकद्दस किताब ने दरियाए गंगा के पानी को बेहतरीन करार दिया है। खालिस और पाक, और फिर भी तुम जमुना के पानी को बेहतरीन तसव्वुर करते हो। बीरबल ने कहा कि महाराज, हम किस तरह पानी और आबे हयात का मुकाबला कर सकते हैं? और आप जो दरियाए गंगा में बहते हुए पानी को देखते हैं, पानी नहीं है, आबे हयात है। यही वजह है कि मैंने कहा दरियाए जमुना का पानी बेहतरीन है। तमाम दरबारी खामोश बैठे थे और सिर्फ शहंशाह ही था जो बीरबल के साथ सही होने पर मुत्तफिक था।